आपका नाम बताइए? वसत परवीन। तो कहाँ से आए आप? मझौली डिस्ट्रिक्ट देवरिया। अच्छा, तो कौन सा पेपर दिखा रहे हैं अभी आप? जेएमआई का। जेएमआई का एंट्रेंस एग्जाम 9th क्लास का है ना? हाँ। तो कैसा रहा आपका पेपर आज का? बहुत अच्छा रहा। पेपर करके मजा आया? जी। तैयारी खुद से किया था कहीं कोचिंग लिया था आपने? खुद से किया था, कोचिंग बहुत कम किए थे। अच्छा, तो कौन कौन सी बुक से पढ़ाई करी थी आपने? द कॉन्सेप्टम ओनली। कॉन्सेप्टम बुक पढ़ने के बाद कितना परसेंट आपको हेल्प मिला? 90%। किस सेक्शन में ज्यादा हेल्प मिला? इंग्लिश में, जीएस में, साइंस में, मैथ में, किस में? साइंस में। साइंस में? तो साइंस में किस किस टाइप का क्वेश्चन था? इजी क्वेश्चन था ज्यादा। क्वेश्चन बताएंगे? अच्छा, कोई नहीं, जरूरत नहीं बताने की। हाँ। जामिया देखकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। पढ़ने का मन कर रहा है? हाँ। क्या लाइफ में सपना है आपका? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? हाँ। क्यों, डॉक्टर ही क्यों बनना चाह रहे हैं आप? क्योंकि डॉक्टर में मतलब ड्रीम है, डॉक्टर में बहुत अच्छा लगता है जी। चलिए, आपका ड्रीम, मैं दुआ करूंगा आपका ड्रीम पूरा हो जाए, है ना? हाँ। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे क्या पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, द कॉन्सेप्टम बुक से ओनली पढ़ना चाहिए और पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करना चाहिए। चलिए, आशा करता हूं आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, थैंक। नाम बताओ अपना। मोहम्मद अंजला। अंजला कहाँ से आए हो? शाहीनबाग। शाहीनबाग से ही हो? कौन सा पेपर दिखा रहे हो? मैम, कैंटीन का पेपर। 9th क्लास का एंट्रेंस एग्जाम का। कैसा रहा पेपर बताओ? बहुत अच्छा गया। पूरा अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन? जी। 100 पूरा? जी। सही सही? जी। सच्ची? सच्ची। अच्छा, तैयारी कहाँ से किया था बताओ? तैयारी जब इसका टाइम बोल लिया था, जब बीबीएसआर का पेपर। जी। कहाँ से तैयारी किया था पेपर का? तैयारी कहाँ से किए थे? कौन सी किताब से तैयारी किए थे? कौन सी किताब से पढ़ाई किए थे इसके लिए? इसी क्लास के लिए। कोई किताब से तैयारी नहीं किए थे? तो फिर कैसे एग्जाम कैसे अच्छे चला गया तुम्हारा? याद था मुझे, पूरा याद था। गुड गुड, चलो अच्छा। आपका नाम बताओ? हादिया अख्तर। हादिया, कहाँ से आए हो आप? मैं शाहीनबाग से आई हूँ। आप तो जामिया को रात दिन देखते रहते हो, है ना? तो आज जब पेपर देने के लिए आए थे, कैसा लगा जामिया? अच्छा लगा, और इससे भी पहले मैं आ चुकी हूँ। अच्छा। तो पेपर के बारे में पूछते हैं, पेपर कैसा रहा? पीछे मत हटो, पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। कितना अटेम्प्ट किया? पूरे क्वेश्चन। श्योरली, तुक्का छोड़कर, पक्का पक्का कितना किया? 100 क्वेश्चन पूरे। पक्का? सच। क्वेश्चन पेपर कहाँ है तुम्हारा? मेरा क्वेश्चन पेपर। अच्छा, रहने दो अभी, ठीक है। साइंस में किस किस टाइप का क्वेश्चन था बताओ? साइंस में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, जैसे कि पूछा था कि पहले अफ्रीकन में कौन सा टी स्टार्ट हुआ, पहले सबसे पहले चाय का पूछा, टी। अच्छा, का पूछा, टी का पूछा था। हाँ, वो ज़्यादातर क्वेश्चन टी के आए थे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। तो तैयारी कहाँ से किया था? मैं तो तैयारी स्टार्टिंग में जब फॉर्म भराया मेरा, तो मैं तैयारी की नहीं थी। अच्छा। मैं बाद में जाके थोड़ा तैयारी की। तो कहाँ से की? किसी बुक से, कहीं कोचिंग से? कोचिंग से की थी। कोचिंग से की। कौन कौन से बुक पढ़ाई गई कोचिंग में? सर, कोचिंग में तो 9th क्लास के जो गाइड थे। अच्छा, आप ये बता दिया, कोचिंग में जो पढ़ाया गया था उससे जब एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे थे, कितना हेल्प मिला? सर, उससे हेल्प मिला, लेकिन सर जो मैं तैयारी की थी वो नहीं आया। अच्छा, जो तैयारी की थी वो नहीं आया, कोचिंग में जो पढ़ाया गया था वो आया था? जी। हाँ। और उसी के बेस पे किए हो? पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखे थे? पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, यस, मेरी बहन के थे, तो अच्छा, वो देखा था, है ना? जी। अच्छा, आप ये बताओ, पिछले साल के पेपर से अगर आज के पेपर का हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो कौन सा वाला इजी था, आज वाला या पिछला वाला? सर, मैं तो कहूँगी कि मैं तो ये फर्स्ट टाइम दी हूँ पेपर। पेपर सॉल्व किया था ना पेपर? यस सर। तो आइडिया हुआ था ना कुछ? तो सर, मैं तो ये कहूँगी कि इस वाला डिफिकल्ट था। ये डिफिकल्ट था? तो कौन सा सेक्शन आपको डिफिकल्ट लगा? साइंस वाला, मैथ वाला, जीएस वाला, इंग्लिश वाला? सर, साइंस। साइंस में। चलो, क्या क्या सपना लाइफ में, क्या बनना चाहोगे? आईएएस ऑफिसर। क्यों, आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहोगे? सर, मैं आईएएस ऑफिसर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने लाइफ में कुछ बड़ा इंसान बनके अपने माँ बाप का नाम रोशन। अच्छा, माँ बाप का नाम रोशन करना। आईएएस का फुल फॉर्म पता है? नो सर। कोई नहीं, अब बच्ची हुआ, अभी बड़ी होगी तो पता हो जाएगा, है ना? तो जो लोग वीडियो देख रहा है उसको कुछ गाइड करना चाहोगे, यानी जो लोग नेक्स्ट बार एग्जाम देगा उसको क्या गाइड करोगे? सर, मैं ये तो ये गाइड करूँगी कि वो जब तैयारी करें तो वो मेहनत से तैयारी करें। मैं उतना मेहनत से भी तैयारी नहीं की थी। अच्छा अच्छा। लेकिन जो आप पेपर जो लोग देंगे उसको अच्छे पढ़ना है ना? हाँ, वो। चलो, आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, जो सपना आपको उसमें कामयाब हो सको, है ना? थैंक यू सर।